मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे ऑनलाइन क्लास एंड टुडे एक्सरसाइज 7A, ओके फ्रैक्शंस। राइट द फ्रैक्शन इज एक्सप्रेसिंग द शेयर पोर्शन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जिस पोर्शन को शेयर्ड मीन्स जो ये टोटल बॉक्स कितने हैं, 1, 2, 3 टोटल बॉक्स है 3, और शेयर्ड कितने को किया हुआ है, 2 बॉक्स को, यानी 1, 2। तो 2 अपॉन कितना लिखेंगे, 3। 2 ऊपर न्यूमरेटर्स में क्या लिखना है, जो शेड किया हुआ है वो लिखना है, और टोटल बॉक्स कितना है, 3, तो डिनोमिनेटर्स में लिखना है। नीचे का ना, नीचे जो नंबर्स होता है वो डिनोमिनेटर होता है। इस तरह से लिखना है आपको, 2/3। ओके, अभी नेक्स्ट देखो एग्जांपल। यहाँ पे टोटल्स कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल कितना दिया हुआ है, 9, और शेड कितने को किया हुआ है, 1, 2, यानी 2 पर लिखना है। दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। ओके, इसी तरह से ये भी सॉल्व करना है। टोटल्स कितना है, 6, और शेड कितने को किया हुआ है, 5, यानी 5/6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कलर द पोर्शंस अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन। कलर करना है अपने को। यहाँ पे फ्रैक्शंस दिया हुआ है 1/3, टोटल बॉक्स कितने हैं, 1, 2, 3, यानी 3 आ गया, और शेड कितने को करना है, ओनली 1 को, तो मीन्स यहाँ पे 1 को कलर करना है आपको। ओके, यहाँ पे देखो सेकेंड वाला, टोटल बॉक्स है 25, ओके, और 7 कितने बॉक्स को कलर करना है, 7, तो 7 कोई भी बॉक्स 7 को कलर कर सकते हो आप। अब यहाँ 1/2 दिया हुआ है, 1/2 बोले तो यहाँ पे क्या करना है, एक ही बॉक्स को क्या करना है, कलर करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, इन फिगर 1 इफ द शेड्स पार्ट इज 2/5 आइडेंटिफाई द एरर। अब देखो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, ये फर्स्ट बॉक्स क्या है, बिगर, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर बिग, यानी इसका कोई शेड सेम है क्या, सेम है क्या इसके बॉक्स, नो, सिंस द 5 पार्ट्स आर नॉट इक्वल द शेड रीजंस डज नॉट रिक्वायर्ड इज 2.5। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, सिंस द 5 पार्ट्स आर नॉट इक्वल द देयरफॉर द शेड रीजन्स डज नॉट रिप्रेजेंटेड 2/5, यानी इसका जो शेप है, जिसका शेड है, ओनली 2 पार्ट्स को शेड किया हुआ है एंड टोटल बॉक्स 5, पर इसके जो शेड्स पार्ट दिया हुआ है, सिंस द 5 पार्ट्स नॉट इक्वल, ये इक्वल है क्या, पार्ट सभी इक्वल है क्या, नो, सेम साइज है क्या सभी के, नो, छोटे बड़ी बड़ी छोटी ऐसे दिया हुआ है, तो इसके वजह से ये क्या हो गया, फिर इज नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इज 3 डेज। 3 डेज, अब इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अभी 1 वीक इज इक्वल टू कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 4th, 1 वीक इज इक्वल टू कितना होता है, 7 डेज, 7 डेज होता है। ओके, फिर यहाँ पे लिखना है द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3/7। अब ये 3 भी नहीं जाता है और 7 भी नहीं जाता है, तो इसलिए स्टॉप यहीं पे करना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे 3 आवर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 3 आवर्स। एग्जांपल ले रही हूँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। 1 डे इज इक्वल टू कितना होता है, 24 आवर्स। एक दिन कितने का होता है, पूरा 24 आवर्स का होता है। फिर यहां लिखना है द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/ कितना दिया हुआ है, 3, है ना, 3/24। ओके, सॉरी मीन्स 3/24। अब 3 3/24,
अब 3 1 3 3 8 यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/8। ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है 7 8।